हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि घर में आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और इस लॉकडाउन में हमारी वीडियो से पढ़ के आप लोग एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बिल्कुल, तो जी हां, आज मैं आपके सामने क्लास टेंथ का रियल नंबर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं। और मैं आपको बता दूं, रियल नंबर के पिछले पार्ट में मैंने आपको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में बताया था। अभी मैं आर एस अग्रवाल की अगली एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ रहा हूं और यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं कुछ थ्योरम। एक सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम मैं आज आपको बताने वाला हूं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बोर्ड में एक सम जरूर आता है, कभी ना कभी एक सम जरूर आता है इसका। ठीक है, क्योंकि मैंने पिछले कुछ पेपर्स उठा के देखे, उसमें इसका एक सम तो जरूर मिलता है। और फिर आप लोग ये ढूंढते रहते हो कि एनसीईआरटी में नहीं था ये क्वेश्चन, तो कैसे आ गया। तो आपको ये जानकारी देना मैं आवश्यक समझता हूं कि आप एनसीईआरटी के भरोसे मत रहिए। आपके पास जितने भी रेफरेंस बुक है, आर एस है या आर डी है, उनको लगाइए। और मैं आपके सामने अभी आर एस अग्रवाल को बेस मानकर चल रहा हूं और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे क्वेश्चंस बताता रहूंगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, मतलब अरिथमेटिक के फंडामेंटल थ्योरम का क्या मतलब है, ये क्या चीज है। मैं इसके डेफिनेशन बताने जा रहा हूं, क्या है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। यानी यहां पे बात करी गई है कंपोजिट नंबर और फिर बात करी गई है प्राइम्स, प्राइम नंबर्स की। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में बता देना चाह रहा हूं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो या तो स्वयं के, खुद के या इटसेल्फ के नंबर से कटते हैं, या फिर उनको काटने वाला सिर्फ वन होता है। तो ऐसे नंबर जो इटसेल्फ स्वयं को काटते हैं, स्वयं से कटते हैं या वन से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर आपके प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपका टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फाइव हो सकता है, सेवन होता है। ठीक, ये सारे एग्जांपल आपके प्राइम नंबर्स के हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे बात करी गई है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो कंपोजिट नंबर को मैं बता दूं कि वे नंबर जो कि आपके, यानी ऐसे नंबर जिनके फैक्टर आपके मोर देन टू होने चाहिए, मोर देन टू नंबर्स होने चाहिए। यानी कहने का मतलब, मोर देन टू नंबर्स का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं बात करूं अगर सिक्स की, तो सिक्स के जो फैक्टर होते हैं टू इंटू थ्री तो होते हैं, साथ में अगर वन को भी लिया जाए तो वन इंटू टू इंटू थ्री, तो मोर देन टू फैक्टर होने चाहिए, दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। फोर की बात करूं तो फोर का होता है वन इंटू टू इंटू टू, मोर देन टू फैक्टर होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे छोटा मैं यहां पे बता दूं, जो कंपोजिट नंबर होता है आपका फोर होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर आपका होता है टू। ठीक है, तो इसकी बात समझ में आई होगी ये। ठीक है, उसके बाद मैं बता रहा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम क्या चीज होती है। ठीक है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर लिया जाए, हम लोग उसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 12 की बात करी जाए, तो 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहने का मतलब 2 टू जा 4 और 4 टू जा 4, 3 जा 12। ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और फिर आगे, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दीज प्राइम फैक्टर अक्योर। और ये भी हमें एक्सेप्ट करना होगा क्या, कि ये सभी प्राइम नंबर्स के ऑर्डर में होंगी, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर, उसके बाद उससे बड़ा प्राइम नंबर। तो इस फॉर्म में अगर आप कोई चीज एक्सप्रेस करोगे, उसका प्रोडक्ट निकालोगे, तो यही आपका कहलाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का फंडामेंटल थ्योरम है फैक्टर करने का। ठीक है, फिर इससे रिलेटेड जो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है वो मैं बता दे रहा हूं। जैसे आप एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की बात करी जाए, तो एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका, जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस का 13,
आपको यहाँ पे प्रूफ करना है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर. आपको ये बताना है कि क्या ये पूरा का पूरा कंपोजिट नंबर है या नहीं. अभी मैंने कंपोजिट नंबर के बारे में बताया है, कंपोजिट नंबर के बारे में बताया है कि मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स मतलब ऐसे नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं, कंपोजिट. ठीक है, तो मुझे इस क्वेश्चन में, मैं इस क्वेश्चन में कैसे प्रूफ कर सकता हूं कि ये आपका कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि यहां पे कुछ मल्टीप्लाई में प्लस करके 13 भी एक दूसरा नंबर दिया गया. तो हम लोग करते क्या है इसमें, सबसे पहले यहां से यहां तक देखिए ये पूरा एक है और यहां से ये दूसरा है. ठीक है, बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है. यहां देखिए आप लोग 13 कॉमन ले सकते हैं, 13 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 5 × 11 प्लस का 1, क्योंकि 13 कॉमन हो गया. यहां से 13 कॉमन हुआ तो यहां पे सिर्फ 5 × 11 बचेगा, यहां से 13 कॉमन हुआ तो यहां पे 1 बचेगा. अंदर वाले को कैलकुलेट कर लीजिए, 11 5 जब 50, 5 प्लस का 1 कितना हो जाएगा ये 56. ठीक है, और देखिए ये जो हमारा 13 × 56 है, देखिए टू फैक्टर तो यही हो रहे हैं, तीसरा फैक्टर आपका 1 भी हो जाएगा, चौथा फैक्टर आपके 56 के अंदर से निकल के आएंगे. तो यहां पे देखिए समझ में आ रहा है कि मोर देन टू फैक्टर्स हैं यहां पे इसके, ये जो क्वेश्चन आपका दिया था इसके अगर मोर देन टू फैक्टर्स हैं तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा. तो ये आपका इस तरीके से जैसे भी किसी भी टाइप के आपका क्वेश्चन है तो करने का तरीका ये होगा कॉमन लेने वाला, इसका कैलकुलेशन करेंगे, लास्ट में 2 या 3 नंबर्स आपके बच जाएंगे. ठीक है, वही आपको डिसाइड करेंगे कि वो आपके कंपोजिट नंबर हैं या नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका एग्जांपल फर्स्ट जो था ये कंपोजिट नंबर होगा. फिर इसके बाद हम बात करते हैं एक प्रॉपर्टी, हम इस चैप्टर में हम आपको बताने वाले हैं प्रॉपर्टी बताने वाले हैं. ठीक है, एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां पे एक प्रॉपर्टी बताने वाला हूं. जैसे कि मान लीजिए आपके दो नंबर्स हैं, ठीक है, टू नंबर्स हैं ए एंड बी, मुझे इनका HCF और LCM निकालना है. ठीक है, HCF और LCM निकालना है इसका. ठीक है, तो करना क्या होगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF × LCM. ये आपका फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन लगेंगे सब इसी बेस पे लगेंगे, पूरी की पूरी एक्सरसाइज इसी बेस पर लगने वाली है. ठीक है, तो ये फॉर्मूला जरूर से जरूर आप याद रखेंगे कि अगर दो नंबर दिए गए हैं उनका आपको HCF और LCM दोनों ही निकालना है, तो निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला एक अप्लाई करते हैं, उन दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट कर देते हैं जो कि इक्वल होगा उन दोनों ही नंबर के HCF और LCM के. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला रहा. अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं जरा, एक इसका एग्जांपल 7 है आपका इस एक्सरसाइज का. लिखा हुआ गिवन दैट HCF, आपका HCF दिया गया है टू नंबर्स का, 252 and 594, इन दोनों ही नंबर का आपको HCF दिया गया है और आपको बताना है LCM. तो आपके पास टू नंबर्स हैं, ए हो गया, बी हो गया, HCF ये दिया गया है. तो इससे रिलेटेड अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो हम लोग सबसे पहले इसी फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट अप करते हैं, तो होगा क्या, a into b का मतलब हो गया 252 × 594, है ना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दैट इज इक्वल टू HCF × LCM, 18 × LCM, 18 का डिवाइड कर दो
तो 252 × 594 डिवाइडेड बाय 18। ठीक, इतना करने के बाद इसका पूरा कैलकुलेशन आप करेंगे तो जैसा कि आपके रिजल्ट में दिखा रहा है 8316 आ जाएगा। आपको डिवाइड करना आता होगा, ठीक है, ये छोटी सी चीज है, बिल्कुल आप छोटी सी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे इसका आंसर बता दिया कि कितना आएगा। मैं तरीका बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। मैं कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लेंदी करूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो सिर्फ मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, स्टेप्स बता रहा हूँ कि क्या करना है आपको, ठीक है। कैलकुलेशन आप करिए, मल्टीप्लाई करना आता है आपको, डिवाइड करना आता है, ठीक है, तो वो चीज आपको करनी। तो आपका जो एलसीएम निकला है, एलसीएम 8316 निकला है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इससे रिलेटेड, इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये था आपका क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूं एक्सरसाइज आगे की, जो आपकी 1B है, 1B एक्सरसाइज। फिर इसके बाद एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज हमारे सामने यहां पर एक्सरसाइज 1B है, एक्सरसाइज 1B। 1B का अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। आपको यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम बताना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी मैं यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं। जैसे इसका फोर्थ पार्ट दिया गया है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट दिया गया है यहाँ पे, वो मैं बता देना चाह रहा हूं। जैसे 144 दिया है और 198 दिया है, मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही बताने हैं, तो करना क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोगों को इसके फैक्टर निकालने होंगे। जैसे 144 है, इसका फैक्टर अगर मैं करना चाहूं तो 2 से छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 18 आ जाएगा, 2 9 आ जाएगा, फिर इसके बाद ये 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3, ये हो गया 144 के फैक्टर। फिर इसके बाद 198 की बात करूं, 2 से डिवाइड करिए, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 9 जा 18, ठीक है। फिर इसके बाद ये जाएगा आपका 3 से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर ये जाएगा वापस 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, फिर ये 11 से जाएगा, 11 1 जा 11, एक बार चेक कर ले रहा हूं गलत तो नहीं हो गया, 2 9 जा 18, ठीक है, कैरी बन गया, 2 9 जा 18, फिर इसका 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 11 1 जा 11। अब इसको करना क्या है, इसको किस तरीके से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता देना चाह रहा हूं कि एलसीएम और एचसीएफ अगर आपको नहीं निकालना आता है, या पिछली क्लासेस में जो आपने जहां से भी पढ़ा हो, किसी भी मेथड से पढ़ा हो और आप कंफ्यूज रहते हो अभी तक, तो एक चीज की मैं गारंटी देता हूं कि अभी मैं एचसीएफ और एलसीएम जिस मेथड से बताने वाला हूं, अगर वो मेथड आपने फॉलो कर लिया तो पूरी लाइफ आप नहीं भूलोगे, इस चीज की गारंटी दे रहा हूं, ठीक है। तो एचसीएफ और एलसीएम को निकालने का तरीका मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। सबसे पहले ये जो फैक्टर है, फैक्टर को, इन सारे फैक्टर को मैं लिख दूंगा यहां पे, 144 के फैक्टर निकल के आए हैं आपके, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ठीक है। फिर इसके बाद वहां देखिए, उसमें लिखा हुआ है 198 के फैक्टर आए हैं। एक चीज और, मैं इसको थोड़ा सा पावर में कन्वर्ट कर दूं, 144 2 की पावर कितनी है यहाँ पे, 2 की पावर 4 है, इंटू 3 की पावर कितनी है, 2 है, तो ये पावर में कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद 198 की बात करूं तो 198 इसके फैक्टर आए हैं आपके, 2 × 3 × 3 × 11, ठीक है, इसको पावर में कन्वर्ट करूं तो 2 × 3 की पावर 2 × 11 आ गया आपका, ठीक है। फिर अब देखिए जरा,
मैं HCF और LCM की बात करूं जरा, HCF और LCM की बात करूं, तो HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, यहां इन दोनों से कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, ये एक थ्योरी याद रखना हमेशा। HCF के लिए पहले बता रहा हूं, फिर इसके बाद LCM के लिए। HCF के लिए एक थ्योरी याद रखना कि इन दोनों में सबसे लीस्ट यानी सबसे कम पावर का जो कॉमन फैक्टर होगा सिर्फ वही लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लेंगे जो सबसे कम पावर का फैक्टर होगा, ठीक है, इन दोनों में। और कॉमन भी होना चाहिए, जैसे 2 की पावर अगर मैं यहां देखूं तो 1 है, 2 की पावर 1 इसके अंदर आएगा, तो सबसे कम पावर का 2 की पावर 1 है इसमें भी आएगा, तो इसको कॉमन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 यानी 2। फिर उसके बाद ये दोनों ही इक्वल हैं, कम हो या इक्वल हो दोनों ही कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 3 की पावर 2 ले सकते हैं। अब 11 की बात करी जाए तो 11 यहां पे है लेकिन यहां पर नहीं है, हमें कॉमन वाले ही फैक्टर लेने हैं, तो 11 नहीं है कॉमन, 3 की पावर 2 दोनों में सेम कॉमन था, लीस्ट पावर वाला 2 की पावर 1 और यहां पे भी अंदर 2 की पावर 1 पाया जा रहा है, इसलिए इन दोनों में 2 की पावर 1 कॉमन हो जाएगी। इसको कैलकुलेट कर ले तो 2 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 × 2 = 18, तो इसका HCF कितना आ जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद LCM की बात करें, जो थ्योरी मैंने HCF के लिए बताई उसकी जस्ट अपोजिट थ्योरी आपकी LCM के लिए होगी। क्या LCM के लिए क्या होगी, कि वे नंबर इसमें LCM के लिए लिए जाएंगे जो आपकी मैक्सिमम पावर रखते होंगे, मैक्सिमम पावर रखते होंगे, और जैसे मान लीजिए यहां पे मैक्सिमम पावर रखने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए ये 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 लेते हैं, 2 की पावर 4 ले ली, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 ये भी कॉमन है, तो ये जो मैक्सिमम पावर थी वो तो लिया, प्लस जो कॉमन थे वो भी हम ले रहे हैं, मतलब जो मैक्सिमम पावर थी उनको भी लेना है, जो कॉमन है हमें उनको भी लेना है, और जो अनकॉमन है उनको भी लेते हुए चलना है, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए 2 की पावर 4 ले लिया मैंने, 3 की पावर 2 कॉमन थी वो ले लिया, फिर 11 ले लिया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 2 की पावर 4 को कैलकुलेट करना, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, 16 × 9 × 11, 11 का 9 में मल्टीप्लिकेशन करें तो 11 × 9 = 99, 99 का 16 में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करा दूं तो 16 × 99, 9 6 = 54, carry 4, 5, 9 × 9, 9 × 9 = 14, ये वैल्यू इधर भी आ जाएगी, 4, 4 × 4 = 8, 4 × 1 = 5 और 1, ये हो गया आपका HCF कितना, 1, 5, 8, 4, ये HCF हो जाएगा आपका, ये LCM हो जाएगा आपका। तो ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद मैं बताने वाला हूं इसमें, अच्छा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज और बताई गई है, यहां पे बोला गया है कि आपको इन ईच केस वेरीफाई दैट, आपको यहाँ पे वेरीफाई भी करके दिखाना है, तो वेरीफाई करने का मतलब ये हो गया, मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स दैट इज इक्वल टू HCF टू LCM, ठीक है, ये करना था। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर मतलब इन दोनों का आपको आपस में मल्टीप्लाई कराना है, और फिर इसके बाद HCF और LCM दोनों का मल्टीप्लाई कराना है, तो मल्टीप्लाई करने पर सेम वैल्यू आएगी, तो ये वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप सभी लोग कर सकते हो ये, ठीक है। उसके बाद मैं बताने वाला हूं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखें जरा इसमें लिखा हुआ, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ, आपको HCF और LCM निकालना है, यहाँ पे 3 नंबर्स दिए गए हैं, 3 से ज्यादा नंबर दिए गए हैं, तो सेम यही मेथड अप्लाई करेंगे, उसमें भी 3 से कॉमन लेंगे, ठीक है, वहां पे भी यही फंडा अप्लाई करते हैं, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका आसानी से निकल सकता है। अभी मैं आपको बताने वाला हूं थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें अगर, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैं पढ़ दे रहा हूं, रीड कर दे रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, दी HCF ऑफ
टू नंबर्स इज 23 एंड देयर एलसीएम इज 1449, मतलब 1449 दिया गया है। यहाँ पे दो नंबर्स का एचसीएफ 23 दिया गया है और एलसीएम दिया गया है 1449 दिया गया है। देन इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर, तो सिंपल सी बात है यहाँ पे, ये सेम टू सेम जैसे इससे पहले मैंने एग्जांपल में दिया था, एक क्वेश्चन बताया था वैसा है सेम। लेट कर लिया सबसे पहले, लेट बी टू नंबर्स, आपके यहाँ पे दो नंबर्स क्या है, मैंने लेट कर लिया ए एंड बी, ठीक। फिर इसके बाद टू नंबर्स का जो एचसीएफ कह रहा है, एचसीएफ किसका, ए एंड बी का कितना है आपका 23 के बाद एलसीएम मतलब बताया गया आपका ए एंड बी का ही एलसीएम आपको बताया गया है, कितना बताया गया है 1449। तो इफ वन ऑफ द नंबर इज 161, कह रहा इन दोनों में से अगर एक नंबर आपका 161 है, तो मैं ए लट कर रहा हूं कि ए आपका 161 है, बी नहीं पता है, वही बताना है आपको, तो करना क्या होगा, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए इंटू बी इक्वल्स टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, ठीक है। ए इंटू बी, ए की वैल्यू है 161 इंटू बी की वैल्यू है क्वेश्चन मार्क, एच सी एफ कितना है आपका 23, एल सी एम कितना है 1449। अब इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे तो बी इक्वल्स टू, इसको डिवाइड कर दीजिए, 23 इंटू 1449 डिवाइडेड बाय 161। थिंक ये 23 से को अगर मैं 7 टाइम ले जाऊं तो ये जाना चाहिए, 7 थ्री जा 21 कैरी 2, 7 टू जा 14, 14 टू 16, यस। तो 23 से ये 7 टाइम्स कटेगा और 7 से तो ये कटने के लिए तैयार है, 7 टू जा 14, 4 नहीं जाएगा तो 0 उतारेंगे, 7 7 जा कितना आया 49। तो B की वैल्यू कितनी निकल के आई आपकी, B इक्वल्स टू 207, ये आपका नंबर है जो कि पूछा गया था, B यानी सेकेंड नंबर वो होगा क्या आपका, ठीक है। जैसा फोर नंबर क्वेश्चन में रीड कर दे रहा हूँ, दी एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 145 एंड देयर एलसीएम इज 2175, इफ वन ऑफ दी नंबर इज 725 फाइंड दी अदर। आपको यहाँ पे सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दो नंबर्स का एचसीएफ दिखाया गया है और एलसीएम भी दिखाया गया, अगर इसमें से एक नंबर इतना दिया गया है तो आपको अगला दूसरा नंबर बताना, सेम एज इट इज नंबर है। फाइव नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। फाइव नंबर क्वेश्चन आपका है, दी एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18, दो नंबर का एचसीएफ आपको 18 दिया गया है, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 12960, फाइंड देयर एलसीएम। तो फाइव नंबर क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है दी एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 18, दो नंबर्स का एचसीएफ आपको दिया गया है कितना 18, लेट कर लेता हूं सबसे पहले वो नंबर क्या होंगे, लेट बी दी नंबर इज, आपके नंबर क्या हो जाएंगे ए एंड बी। एचसीएफ जैसा कि यहां पे बताया गया है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा आपका, ए एंड बी का एचसीएफ यहां पे दिया गया है, दिया है आपका 18, ठीक है, एचसीएफ ए एंड बी ए कॉमा बी का एचसीएफ, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा कि देयर प्रोडक्ट इज 12960 यानी 12960, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट अगर यहां पे दिया गया है ऑलरेडी पहले से ही 12960, ये ऑलरेडी पहले से ही दिया गया है, तो आपको यहाँ पे बताना है फाइंड दी एलसीएम, एलसीएम को बताना है। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूँ, ए इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। एक चीज मैं और बता देना चाह रहा हूँ कि ये तो अभी सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन आगे मैं जितने भी फॉर्मूले बताऊंगा, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के हों, चाहे वो मेंसुरेशन के हों, कुछ भी हो, ठीक है, मैं जितने भी फॉर्मूला बताऊंगा, मेरी एक आदत है मैं आपके सामने फॉर्मूला जरूर लिखता हूं, तो आप भी इस आदत को अपनाइए कि जब भी क्वेश्चन करिए तो फॉर्मूले को चाहे जितना छोटा से छोटा फॉर्मूला क्यों ना हो, लेकिन पहले उसको लिखिए। आप 100 बार लिखेंगे तो फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम याद रहेगा, ठीक है। तो
तो इस फॉर्मूले को लिखिए, उसके बाद उसमें वैल्यू पुट अप करिए, तब कैलकुलेशन करिए। तो ए एंड बी, ए इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 12960, एससीएफ आपका 18 दिया गया है और एलसीएम आपको बताना है। यहाँ पे एलसीएम बताना है तो उसको डिवाइड कर दीजिए, 12960 डिवाइडेड 18, दैट इज इक्वल टू एलसीएम। 18 से इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग साइड में, 12960 कितने टाइम जाएगा हम लोग देख लेते हैं इसको। 18 सेवंजा जरा ले जाके देखें, 8 सेवंजा 56 कैरी 5, 7 वंजा 7, 7 और 5 12, कितना आया यहाँ पे 3 आया, 6 आया, 18 टू जा 36 कैंसिल आउट हो गया, 0 आया, ये 0 यहाँ आएगा तो यहाँ पे भी हम लोग उतारेंगे, तो इससे ये कट गया, कैंसिल आउट हो गया 720 टाइम्स। तो एलसीएम कितना आ गया आपका 720, ठीक है। ये रहा आपका फिफ्थ नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो किस तरीके से करते हैं आपको ये चीज पूरी समझ में आई होगी। पहले मैंने दो नंबर कलेक्ट कर लिया, ऐसे आपका 18 दिया गया था, दोनों नंबर के प्रोडक्ट दिए गए थे आपके, मैंने प्रोडक्ट की जगह पर फॉर्मूले में वो वैल्यू पुट अप कर ली, एससीएफ को पुट अप कर लिया, डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद मैंने डिवाइडेशन भी आपको बता दिया, डिवाइड करने के बाद 720 आपका आंसर आ जाएगा।